जय माता दी वीवर्स, हम लेकर आए हैं जुलाई महीने की, जो जैसे कि मैंने पिछली बार बनाया था, तो मैं सभी राशियों के लिए फिर से लेकर आई हूँ। जुलाई महीने में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, तो पहले हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कि उनका जुलाई का महीना कैसा रह सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप सभी को पता है। तो मेष राशि वालों के लिए निकल कर आया है कार्ड, कहीं ना कहीं पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको उनको छोड़ देना है, जैसे कि कुछ बुरी मेमोरीज होंगी या कुछ उनके खुद के कर्मास होंगे या कुछ, तो उनको बिल्कुल छोड़ देना है, उनको सोचना छोड़ देना है, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और ये 2017-18 की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, उसके बाद ये जो, क्योंकि अब जो होगा वो नया होगा, तो उसको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तो फिर आपके साथ नया कैसे होगा। बिल्कुल वैसे ही एनर्जी निकल कर आई है, ये जब छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ों को सोचना छोड़ देंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में निगेटिव सोचना छोड़ देंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से वो खुद पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। जैसे कि पोस्टपोनमेंट कार्ड आया है, 4 महीने से शायद उन्होंने कोशिश भी की है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अपनी बुरी मेमोरीज, अपनी बैड मेमोरी जो भी उनके साथ होगा प्रोफेशनली पर्सनली, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं लेट दो छोड़ दिया है, या छोड़ने की कोशिश वो करेंगे, और बिल्कुल सही वो करेंगे, है ना। ये छोड़ देना चाहिए उनको, उनको छोड़ने के बाद फिर उनके लाइफ में थोड़ा सा पीसफुल, मतलब जैसे हम इस कार्ड में देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर चंद्रमा है, उनका मन एकदम शांत हो जाएगा, उनका मन एकदम पीसफुल रहेगा, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने लाइफ को, बहुत ज़्यादा मतलब उनके लाइफ में हंसी खुशी आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस आएगा उनके लाइफ में। और कहीं ना कहीं उनको जो थोड़ा सा उनके पर्सनल लाइफ में, जो अगर जो मैरिड हैं उनके पर्सनल लाइफ में जो थोड़ा बहुत चल रहा था अनबन, वो सब ठीक हो जाएगा, वो पूरी तरीके से। दिलावर कार्ड आया है, उनका 6 अंक बहुत अच्छा हो जाएगा, उनका वीनस ग्रह भी बहुत अच्छा हो जाएगा, उनको थोड़ा सा उपाय करना चाहिए। फ्राइडे के दिन उनको सफ़ेद रंग की मिठाई भगवान में, भोले बाबा माता पार्वती जी में चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी माता विष्णु भगवान जी में चढ़ाना चाहिए, जैसा भी संभव हो सके, और छोटे बच्चों को भी खिलाना चाहिए, अभी नहीं तो बाद में, जैसे भी पॉसिबल हो, या घर के ही बच्चे, ये उपाय उनको बिल्कुल करना चाहिए। और बिल्कुल फ्रेंड निगेटिविटी को छोड़ दीजिए, तब फिर आपके लाइफ में बहुत अच्छा आने वाला है जुलाई आपके लिए, मतलब एक हफ्ते के बाद तो बहुत ही अच्छा आपका जुलाई मुझे लग रहा है। साईं बाबा का मैसेज जैसे कि हम लेते हैं, भरोसा बिल्कुल आया है, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए, बिल्कुल कार्ड से मिलता हुआ आया है ओम साई राम। तो आपको भरोसा रखना है, बिल्कुल भगवान पर भरोसा रखना है। आप बिल्कुल जिस सिचुएशन से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो खुद ही आप उसको छोड़ देंगे जब वो परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से कभी कभी हमारा खुद का मन का क्रिएशन वो रहता है, ऐसा कुछ रहता भी नहीं है लेकिन हम मन में सोच लेते हैं। तो ये सारी जो एनर्जी है जुलाई की निकल कर आई है मेष राशि वालों के लिए। धन्यवाद।